अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे साइप्रस के मुतालिक, कुछ अपडेट्स हैं उनके बारे में। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप भाइयों को ईद मुबारक, जो कि कल थी। सब भाइयों को एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, क्योंकि सुना है कई जगह 7 दिन होती है, कई जगह 3 दिन होती है, हालांकि 3 दिन तक ईद रहती है। ईद उल अज़हा 3 दिन तक आप कुर्बानी भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर सब भाइयों को ईद मुबारक। तो चलें आज बात करते हैं साइप्रस के बारे में। साइप्रस में सबसे पहले बात कर लेते हैं साइप्रस के वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। साइप्रस में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। इस वक्त टेम्परेचर कई जगह पर 30 है, कई जगह पर 28 है, कई जगह पर 31 है। पर इधर की गर्मी जो है वो बहुत ही तेज़ गर्मी होती है। अच्छा, अभी भी तकरीबन 7 बज चुके हैं शाम के, पर धूप आप देख सकते हो मेरे चेहरे पर भी धूप लग रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी इस वक्त थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक है वेदर में भी, अगले कुछ दिनों के अंदर भी बादल वगैरह ही दिखा रहे हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर। उसके अलावा बात करते हैं लाइसेंस की। साइप्रस में जो लाइसेंस है, लाइसेंस बंद है। लड़के पैसे ले रहे हैं, धोखे कर रहे हैं, उसी तरह सारा सिलसिला चल रहा है, पर लाइसेंस नहीं बन रहे। क्यों लड़के लेते हैं 200-400 रुपये लेके रख लेते हैं, कहते हैं अगर ना बना तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। जब टाइम पूरा होता है 2 महीने 3 महीने जितना वो टाइम देते हैं, उसके बाद वो पैसे वापस कर देते हैं। उनका निज़ाम भी चल जाता है, आप भी खुश हो जाते होगे हमने ट्राई किया है कि लाइसेंस बने पर नहीं बना, चलो पैसे वापस आ गए हैं। किसी के धोखे में ना आए। जब लाइसेंस ओपन हो गए तो ऑफिशियल ऐलान होगा साइप्रस मेल पर, या आप जिधर रह रहे हो आपको पता चल जाएगा कि लाइसेंस ओपन हो चुके हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके अलावा बात करते हैं शादियों की। शादियों की बात की जाए तो शादियों की इस वक्त लिविंग टुगेदर हो रही हैं। जो असली शादी है टाउन हॉल वाली वो नहीं होती। लिविंग टुगेदर ये होता है कि आप एक अपनी फाइल बनाते हो, लड़की मंगवाते हो कहीं ना कहीं से, या कोई चक्कर इस तरह का होता है तो आप कोर्ट में जाके देते हो कि हमने शादी करनी है, परमिशन डालते हो लिविंग टुगेदर की। वो आपकी उस वक्त तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपकी शादी रिजेक्ट हो जाती है, फिर आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाती है। दोबारा आप अपील करते हो, फिर आपका 1000 से 1500 यूरो के दरमियान, 800, 1000, 1500 जिधर आप फंस के, इतने एजेंट या वकील अगर किया तो लग जाएंगे, इतने पैसे 1500 यूरो तक लग जाते हैं। फिर जब आप दोबारा अपील करते हो तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ तकरीबन 1.5 साल का अपील में टाइम गुजर जाता है कि आप, मतलब आपका स्टेटस होता है कि हम इधर यूरोपियन है, लिविंग टुगेदर वाला स्टेटस होता है। हालांकि वैसे हम इधर जितने भी लड़के आते हैं उनका रेफ्यूजी स्टेटस होता है। शादी पर तकरीबन 5000, मिनिमम 5000 यूरो लग जाते हैं। अबे जल्दी बोल। अगर लड़की अपनी हो तो, अगर सेपरेट लड़की हो, अगर आप कहीं ना कहीं से ले आते हो, वो कोशिश करे तो फिर आपके पेपर बनने के कोई ना कोई चांस होते हैं। क्यों, इधर की लड़की है, आपका लव हुआ है या जो भी चक्कर हुआ है, फिर आपके पेपर बनने के चांसेस होते हैं। पर इस वक्त इन कामों में ना ही पड़े तो बेहतर है। एक तरह से अच्छा है कि आपका रेफ्यूजी वाला स्टेटस जो है वो हर 2 महीने बाद जलालत है। कोर्ट जाओ, कोर्ट से तंग करते हैं, जिधर जाओ पहले लेटर नहीं देते, लेटर असाइलम ऑफिस जाओ, फिर वो 2-2.5-3 महीने उस पर लग जाते हैं जो दोबारा बन के आती है आपकी फाइल। तो इस चक्करों में ना ही पड़े तो बेहतर है, बस चुप करके अपना काम करें, स्टेटस अपना हमेशा ऑन रखें। क्यों, साइप्रस के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती में भी कुछ अगले मंथ से, उससे अगले मंथ हो जाए, इस करके अपनी फाइल वगैरह सब कुछ ओपन रखो। कोई भी मसला हो तो वो आप लीगल हो, इधर रेफ्यूजी है, आपके पास कोर्ट का टाइम है, वो मसला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस इस वक्त साइप्रस में दोबारा स्टार्ट हो चुका है, मास्क दोबारा ऑन हो गया है। साइप्रस मेल है, एक साइप्रस का एक ऑफिशियल वेबसाइट है साइप्रस मेल,
उस पर उन्होंने दोबारा अनाउंस कर दिया है कि आप मास्क पहने। अच्छा, निकोसिया की आज मैंने देखा उधर, आज 9 जुलाई शायद कल का था, तो उधर वो चेक भी कर रहे थे कि जिसने मास्क नहीं पहना होगा। वैसे लड़के घूमते रहते हैं, ये नहीं कि सब बराबर नहीं होता, पर चेक करते हैं। 300 यूरो का चलान करते हैं, वो आपको पे करना होता है 300 यूरो। टाइम देते हैं आपको, कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से आप टाइम ले लो कि काम नहीं है, हम किधर से पे करें। उस पर कुछ ना कुछ आप रिलीफ ले सकते हो, पर कोशिश करें मास्क वगैरह पहने। इधर बहुत ज़्यादा कोरोना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि टूरिस्ट आया है मुख्तलिफ कंट्रियों से, उस वजह से कोरोना वाकई बहुत ज़्यादा फैल चुका है। जिधर लड़के काम करते हैं, दोस्त वगैरह, या मैं जिधर काम करता हूँ, हर जगह कुछ ना कुछ मैंने सुना है कि इस बंदे को कोरोना हुआ, उसको कोरोना हुआ, 6-7-8-8 छुट्टियाँ वो उन्होंने ली हैं कोरोना की वजह से। तो इसके बाद बात करते हैं, एक तो कोरोना ज़्यादा हो चुका है, दूसरा कि साइप्रस के अंदर, साइप्रस मेल पर ही आया है तकरीबन 8-10 दिन पहले, 6,000 शादियां उन्होंने रिजेक्ट की हैं, जो ये लड़के करते हैं, लिविंग कर लेते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा ये क्या खुद खाता बनाया हुआ है, सीधी रिजेक्ट की हैं। उन्होंने कहा ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, लड़कियाँ ओरिजिनल नहीं हैं, ये मंगवाते हैं उससे शादियाँ करते हैं, उनसे उन आगे उस पर ये पेपर बनवाते हैं, सबको रिजेक्ट कर दिए। तकरीबन 5-6 हज़ार सुनने में आ रहा है कि उन्होंने शादियां रिजेक्ट की हैं। और इसके अलावा एक सबसे ख़ास बात, कुछ दिन पहले तकरीबन 1-2 जुलाई को आए थे नदरलैंड, जर्मनी, उधर के कुछ ना कुछ वज़ीर वगैरह आए थे, जो होते हैं इनका अपना मामलात होते हैं, वो आए हैं। उन्होंने देखा है कि इधर बहुत ही ज़्यादा रेफ्यूजी होगी है, तो कईयों ने, उन्होंने कहा है कि कईयों को हम लेके जाएंगे, कईयों को आप अपने होम कंट्री वापस भेजें। तो उस वजह से भी काफ़ी लड़के अब डरे हुए हैं, मैं भी डिपोर्ट करना शुरू कर दें। जो साइप्रस आना चाहता है तो आए, जिसके पास अगर साइप्रस के अलावा कोई ऑप्शन है तो भाई इधर मत आओ। काम वगैरह तो मिल जाता है, अच्छे पैसे बना लोगे, 2 लाख कमा लोगे, 3 लाख कमा लोगे, 3 लाख बहुत मुश्किल से कमाओगे पर कमा लोगे, पर इधर फ्यूचर नहीं है। अगर आप 7 साल रहते हो, इधर फ्यूचर नहीं है। उसके बाद भी अगर 7 साल आप रेफ्यूजी पर रहते हो, रेफ्यूजी पर पहली बात है रह नहीं जा सकते, कुछ अरसे बाद 2 साल के बाद आप इलीगल होगे, फिर आप बस पैसे के पीछे लगे रहोगे। यहाँ सिर्फ पैसा कमाना है तो आपकी मर्ज़ी, अगर फ्यूचर चाहिए तो आप रोमानिया ट्राई करें, माल्टा ट्राई करें, दुबई जाएं, दुबई काम करें, विजिट 1 साल काम करें, 1.5 साल काम करें, उधर स्टेटमेंट अपनी बनाएं, उसके बाद अप्लाई करें, माल्टा का वीज़ा लगता है उधर से। यही नहीं, अभी और सुनिए, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं जिधर से, दुबई से जिधर का वीज़ा लग जाता है, अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी हो, आपका रिकॉर्ड उधर अच्छा हो, आप अच्छी फाइल बनाते हो थोड़ी बहुत। जब बंदा प्रदेश में रहता है तो इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाता है, या जो भी जिस कंट्री में रहता है ऑटोमेटिक वो ज़ुबान सीख जाता है। काफ़ी ज़्यादा लड़कों के कमेंट्स आते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती पर हमें काम आता है। भाई लैंग्वेज कोई भी मैटर नहीं रखती, बस आप इतना हो, आपके पास माइंड हो कि अगला बंदा क्या कह रहा है, उसकी बात समझने की सलाहियत हो आपके पास, तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। स्किल जिसके पास है, काम उसको मिलेगा, 12 महीने मिलेगा। वैसे कहते हैं कि 6 महीने 7 महीने में, खुद कहता हूँ 6-7 महीने काम होता है, वो हम जैसे बंदों के लिए होता है, तो हमें कुछ काम नहीं आता। तो होटल्स वगैरह में काम ईजी होते हैं, उस पर मैं वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊँगा, जो मैं काम करता हूँ सारा दिन में क्या काम करता हूँ। मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं, पर और 2-4 जोड़ के सारी मैं आपको बताऊँगा इकट्ठी के, पूरे दिन की क्या मेरी रूटीन है, क्या शेड्यूल है। तो जो नया बंदा है, जो आना चाहता है, सारी बातें जहन में रख के आए। दूसरी बात, इरकन एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा लड़के डिपोर्ट कर रहे हैं, किसी को किस वजह से कर रहे हैं, किसी को वजह भी नहीं बताते क्यों कर रहे हैं। अभी एक भाई के मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे कि मैंने, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया है, मैंने इंटरव्यू भी ठीक दिया है, पर उन्होंने मुझे फिर भी डिपोर्ट कर दिया है, मुझे नहीं पता, स्टैम्प तक नहीं लगाई उन्होंने एयरपोर्ट पर, कोई वजह नहीं पूछता। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आपने डिपोर्ट होना है, दोबारा ट्राई करोगे दोबारा डिपोर्ट होगे। उसके अलावा यही मेन थी, कोरोना की मैंने आपको बता दिया, कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, सख्ती हो गई है,
कोरोना वाकई आ भी गया, काफी बंदों को मेरे सामने भी, मैंने काफी बंदों को मैं जानता हूँ जिनको कोरोना हुआ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। उसके बाद शादियों वाला भी बताया, शादियां भी रिजेक्ट हो रही है इस वक्त, जो करना चाहता है या जिसका मूड है करने का, इन चीजों से दूर रहें। उसके अलावा काम वगैरह की बात की जाए, काम अभी साइप्रस में मिल रहे हैं, जितने काम लड़कों को चाहिए उतने मिल रहे हैं, दो करना चाहता है तीन करना चाहता है काम मिल रहे हैं, पर इसके लिए उठना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, दोस्तों यारों को बोलना पड़ता है, काम मिल जाते हैं। काम सितंबर तकरीबन 10वें 11वें महीने तक, नवंबर तक काम रहेगा, नवंबर से बिल्कुल ऑफ होगा, क्यों, मैं नवंबर में आया था इधर, तो जिस सिटी में मैं हूँ इधर मैं आया था नवंबर में, कैंप चला गया था, कैंप से आता रहूँ आता जाता रहूँ, तो ये तीसरे महीने के सेंटर में आ गए, ये सिटी स्कूल है, इसके इर्द गिर्द जितने भी सिटी हैं सब चौथे महीने में खुलते हैं, चौथे से काम स्टार्ट होता है, जो फुल खुल जाता है वो पाँचवें के आधे के बाद जाके खुलता है। तो इस वजह से इस कंट्री में जो भी आना चाहता है, जो रह रहा है वो थोड़ी एहतियात करे, फाइल वगैरह अपनी ओपन रखे, जो आना चाहता है वो ये सारी बातें देख ले, उसके बाद फैसला करे आने का। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को दुआ में स्पेशल याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।